السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رهيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل اللقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفسي تقواها वज हा अन तनजका हा अन तवली हा व मौला हा मोहतरम नाजरीन सारी खूबियाँ रबलमीन के लिए हैं जो तने तन्हा पूरी कायनात का ख़ालिक मालिक राजिक मुरबी और मबूद हकीकी है सलाम के नजराने अंबिया व रसूल की मुक़द्दस ज़मात पर बिलखसूस साकी कौसर शाफ महशर शफेलमजनबीन रहमतमीन हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम की रामी पर मोहतरम हाजरीन आज के दर्स का मौजू है आओ जन्नत की तैयारी करें जन्नत क्या है कैसी है और उसकी नेमतों की क्या हकीकत है इन सारे सवालात का अगर जवाब जानना है तो कुरान करीम की आयत आप अपने सामने रखें अल्लाह आलमीन फरमाते हैं

इंसान दुनिया में मेहनत करके गया होगा रब्बुल रबालमीन के उसूलों का पाबंद रहा होगा उसके पैगम्बर जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलीमत को अपनाया होगा आपकी सुन्नतों से महब्बत किया होगा और आपके बताए हुए उसूलों की रोशनी में उसने ज़िंदगी गुजारी होगी हदीसी कुसी में रबालमीन फरमाते हैं अल्लाह तरमाता है आदत साल मालयरा रत वला उदन सत वला खतरा अला कल बी बशर प्यारे रसूल सल्लाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं मैंने अपने बंदों के लिए जन्नत में ऐसी ऐसी चीज़ों को रखा है मालयन रत जिसे किसी आँख ने नहीं देखा अलाउन समत किसी कान ने नहीं सुना वला खतरा अला कल बी बशर और उसकी नेमतों का तसूर किसी इंसानी दिमाग पर नहीं गया यानी जन्नत की नेमतें कैसी हैं कोई सोच ही नहीं सकता जन्नत की नेमतों के बारे में कोई तसूर ही नहीं कर सकता और अबीर ने अपनी जन्नत में अपने नेक बंदों के लिए क्या क्या तैयार कर रखा है जन्नत क्या है जन्नत दरअसल ये इनाम है ये इनाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने ईमान की जिंदगी गुजारी होगी नेकमाल किए होंगे उनके लिए इनाम है जन्नत हकीक़त में एक मोमिन की पूरी जिंदगी की इबादतों रियाजतों मेहनतों का समरा मकसूद और मतलूब है अल्लाह आलमीन अपनी किताब के अंदर फरमाते हैं जुहज़िहा जानी नार व उद जन्नत फकद फाज वमल हयातुद दुनिया मताउल गुरूर जो जहन्नम से बचा लिया गया और जिसे जन्नत में दाखिला मिल गया हकीकत में वही कामयाब हुआ सच्ची कामयाबी यह है कि इंसान जन्नत में दाखिला पा जाए और अल्लाह आलमीन की जहन्नम से बच जाए ये सबसे बड़ी कामयाबी हम नमाज क्यों पढ़ते हम रोज़े क्यों रखते हम इबादत क्यों करते हम अल्लाह आलमीन के असूलों की रोशनी में जिंदगी क्यों गुजारते हम गलत चीज़ों से क्यों बचते हमारी सारी मेहनतों का खुलासा हमारी सारी इबादतों का निचोड़ मतलूब और मकसूस सिर्फ यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश हो जाए अपनी जन्नत में हमें जगह दे दे और हम उसकी जहन्नम से बच सकें तो ये जन्नत एक मोमिन की इबादतों का मकसूद और एक मोमिन की इबादतों का मतलूब है और यही असल कामयाबी है इससे बड़ी कामयाबी कोई और कामयाबी नहीं जन्नत हमारे तसूर से अजीम और परे है हमारे तसूर से इंतहाई अलग है अल्लाह आलमीन की यह जन्नत और जिसे अल्लाह आलमीन ने बड़ी खूबसूरती के साथ बड़े ही सलीके के साथ संवारा है सजाया है बनाया है जनाब मोहम्मद वसल्लम फरमाते हैं मिन नतुमिन व लबी मिन फ्दा व मेला अल्लाह आलमीन ने अपनी जन्नत जानते हैं कैसे बनाई है इंसान दुनिया में घर बनाता है ईंट इस्तेमाल करता है और जोड़ने के लिए सीमेंट का रेत का और इस जैसी चीजों का इंसान इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने घर को बना सके आलमीन की जो जन्नत है रब्बुल आलमीन ने जो जन्नत बनाई है मोहम्मद अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक ईंट अल्लाह आलमीन ने सोने की रखी है और दूसरी ईट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चांदी की रखी है और दोनों ईंटों को जो मिलाया है रब्बुल आलमीन ने मसाला जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुश्क का इस्तेमाल किया मुश्क दुनिया की अजीम खुशबू है बेहतरीन खुशबू है सबसे बेहतरीन खुशबुओं में से एक खुशबू है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों ईंटों को सजाने के लिए और मिलाने के लिए रब्बुल आलमीन ने मुश्क का इस्तेमाल किया अल्लाह आलमीन की जन्नत है जन्नत क्या है और उसकी उसेत और कुशादगी क्या है आइए सही मुस्लिम की वो रवायत हम अपने सामने रखते हैं अंदाज़ा होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो जन्नत कितनी कुशादा और कितनी चौड़ी है जनाब मोहम्मद फ़रमाते हैं इन्नी ला आलम आखिरा अहल जन्नति दुखून मैं जानता हूँ उस आदमी को जो जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा जन्नत का फैसला हो गया जहन्नम का फैसला हो गया लोग जन्नत में चले गए जहन्नमी जहन्नम में चले गए एक आखिरी आदमी बचेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे कहेगा इधह फद खुल जन्ना मेरे बंदे जा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा फयु इलैहि अन्नहा मल्ला वो जाएगा और उसके जहन में उसके दिमाग में यह बात आएगी कि अल्लाह की जन्नत भर गई है उसमें जगह नहीं है वो कहेगा यार्बी वजह तो हा मल्ला वो कहेगा रब्लम तेरी जन्नत में जगह नहीं है तेरी जन्नत भर चुकी है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है अल्लाह रबालमीन कहेगा मेरी जन्नत भर गई ईद हफत खुल जन्ना जाओ दूसरी बार जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ फिर जाएगा और फिर यही ख्याल उसके जहन में आएंगे कि अल्लाह जन्नत में जगह नहीं है जन्नत भरी हुई है फिर से आकर के वही जवाब देगा अल्लाह रब्लामी फिर कहेगा कि मेरे बंदे जाओ मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ फिर से वो जाने के बाद फिर पलट करके वही जवाब देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बाद फरमाएंगे तुझे क्या लगता है कि मेरी जन्नत में जगह नहीं है तुझे लगता है मेरी जन्नत भर गई है लका मिसला जा मेरी जन्नत में दाखिल हो जा तेरे लिए जन्नत में दुनिया के बराबर में जगह देता हूं बल्कि दस दुनिया के बराबर में तुझे अपनी जन्नत में जगह देता हूं आप तसूर करें आप सोचें ये आखिरी आदमी होगा जो जन्नत में जाएगा और उसको मकाम और उसको जगह जन्नत में दस दुनिया के बराबर मिलेगी आप तस्वर करें जो अल्लाह के नेक बंदे हैं जो अंबिया हैं अलिया हैं अतकिया हैं अबरार हैं असफिया हैं अखियार हैं अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनका मकाम और मर्तबा ऊंचा है जो अल्लाह आलमीन के मंजूर नजर है जो मुखरबीन में से है आलमीन की जन्नत में उनको कितना ऊंचा मकाम मिलेगा और कितनी जगह मिलेगी आप इससे अंदाजा कर सकते हैं अल्लाह रबुल आलमीन की जन्नत है कितनी कुशादा है कितनी चौड़ी है रब्बुल आलमीन की जन्नत जनाबे मोहम्मद फरमाते हैं जन्नती हामियत आमिनत हा। जन्नत में एक दरख्त ऐसा है कि अगर उसके साये में एक सवार सौ सव साल तक चलता रहे उसके साये में एक सवार सौ सव साल तक चलता रहे प्यारे रसूल सलम फरमाते है सौ साल लग जाएंगे पर उस दरख्त का साया खत्म नहीं हुआ की जन्नत है दुनियावी नेमतों में ख़तरात हैं दुनिया में एक इंसान को कितनी भी दौलत मिल जाए तो ये डर और ये खौफ रहता है कि ये नेमत कब तक रहेगी रहता है कि नहीं रहता ये नेमत कब तक मिलेगी और नेमत कोई भी हो चाहे माल व दौलत की नेमत हो चाहे खूबसूरती की नेमत हो चाहे क़वत और ताकत और बजुओं में क़त की बात हो या चाहे दिमाग की नेमत हो या चाहे इंसान के जिसम की कोई और नेमत हो दुनिया की नेमतों में ख़तरात हैं उसकी एक लिमिट है एक हद है यहाँ तक जाने के बाद इंसान कमज़ोर होने लगता है इंसान जब ताकतवर होता है मजबूत होता है चीज़ें बेहतर होती हैं लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और सारी चीज़ें उसकी कमज़ोर हो जाती है और इसी तरीके से दुनिया की नेमतों में खतरात भी हैं ये डर हमेशा लगा रहता है कि यह कब तक रहेंगी खत्म भी हो सकती है कोई चोरी भी कर सकता है कोई हाथ भी साफ कर सकता है खर्च करने से कम भी हो सकता है घट भी सकता है ये सारे खतरात दुनिया की नेमतों में हैं। और अल्लाह की जन्नत और जन्नत में जाने के बाद उसकी नमतों के साथ ऐसा कोई मामला नहीं हो एक बार जो जन्नत में चला गया वो नेमतों में होगा में होगा, बरकतों में होगा कुरान कहता है वो फाकिन लाख जन्नत में बहुत सारे मेवे हैं, बहुत सारे फल फ्रूट है लामकू आतं वाला ममनुवा ना तो खत्म होने वाले हैं और ना ही जो है कम होने वाले ये कुरान का ऐलान है रब्बुल आलमीन का फरमान है कि जन्नत में सारी चीजें मिलेंगी लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं होगी जितनी ये चाहेगी जब चाहेगी जिस वक्त चाहेगी जिस कंडीशन और सूरत में इंसान चाहेगा वो सारी चीजें उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में मिलेगी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक बार फरमाया था अब्दुल्लाह इब्ने मसूद इदा तश्तही अत्तैर फिल जन्ना फयखिर बैन यदैक मशवियन मसूद अगर जन्नत में तुम्हें परिंदा खाने की तमन्ना होगी और सोच रहे हो गे काश परिंदा मिल जाता जहन में दिमाग में भी बात आएगी इतने में वो परिंदा भुना हुआ तुम्हारे सामने आ जाएगा इंसान सोचेगा तस्वर करेगा अभी जबान पर नहीं लाएगा कि रब्बुल आलमीन चूंकि रबालमीन दिलों के रास् जानता है रबालमी सीने के भेद जानता है रबालमीन से कोई चीज़ जो है दूर नहीं है सारी चीज़ों का इल्म रबालमीन को है इंसान तसूर करेगा सोचेगा उससे पहले अल्लाह रब्लम वो सोच रहा होगा कि वो नेमत न्यामत रबालमीन के सामने हो जन्नत की हकीकत क्या है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यूता बेन में अहल दुनिया कल क्यामत के दिन अल्लाह आलमीन दुनिया के सबसे अमीर इंसान को बुलाएगा जिसने जिंदगी में कभी तकलीफ़ें नहीं देखी होंगी परेशानियां नहीं देखी होंगी सारी जिंदगी ऐशो आराम में गुजार के गया होगा कदम ज़मीन पर नहीं पड़े होंगे दुनिया की सारी नेमतें उसके कदमों में रही होंगी लेकिन आलमीन का ना फरमान रहेगा आलमीन की बातों पर असूलों पर अमल नहीं किया होगा दुनिया की सारी नमतें उसे मुयसर नहीं होंगी अल्लाह रबीन उसे बुलाएगा फयूस बग गतन फिनार एक ऐसे आदमी को जिसके चेहरे पे कभी शिकन नहीं आए होंगे एक ऐसा आदमी जिसने कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं देखा होगा एक ऐसा इंसान जिसके सामने दुनिया की सारी नमतें थी एक ऐसा इंसान दुनिया का वो बादशाह था दुनिया की सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत और सबसे लग्जरी लाइफ गुजार करके आलमीन के सामने जाएगा अल्लाह आलमीन उसे एक बार इसी जहन्नम में डाल करके निकाल लेगा जहन्नम में एक डुबकी लगाएगा और उसे निकाल लेगा निकालने के बाद आलमीन पूछेगा हल मर रबी का नई अल्लाह पूछेंगे मेरे बंदे तो दुनिया में बड़ी शानदार जिंदगी गुजार के आया है लग्जरी लाइफ गुजार के आया है तेरे सामने दुनिया की सारी नौजूद थे एक में एक लगाने के बाद। तुझे क्या लगता है कि दुनिया की कोई भलाई कोई सुकून कोई आराम तुझको याद है वो इंसान एक एक डुबकी लगाने के बाद मेरे भाई और आप तसूर करें एक डुबकी लगाने के बाद वो कहेगासा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई भलाई नहीं देखी है एक डुबकी लगाने के बाद अपनी जिंदगी की सारी सहूलतें भूल जाएगा सारा आराम भूल जाएगा सारी आशाइश भूल जाएगा और कहेगा लगता है, मेरी सारी जिंदगी तकलीफों और परेशानियों में गुजर गई है किसकी बात होगी सबसे खूबसूरत जिंदगी गुजारने वाला लेकिन रब से दूर होगा अल्लाह के पैगंबर वसल्लम से दूर रहा होगा उसकी ये कंडीशन और उसकी ये हालत होगी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक ऐसे आदमी को अल्लाह बुलाएगा जिसने जिंदगी में कभी आराम नहीं देखा होगा सारी जिंदगी तकलीफों में परेशानियों में मोहताजगी में गुजर गई कोई सुख नहीं कोई सुकून नहीं कोई राहत नहीं सारी जिंदगी परेशानियों में गुजर गई उसकी लेकिन अपने मालिक को नहीं भूला हुआ होगा अपने खालिद को नहीं भूला हुआ होगा एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने के बाद जब रब्बुल आलमीन के पास पहुंचेगा फहीस बहुसन फिल जन्ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को ऐसे इंसान को जन्नत में एक डुबकी लगाने के बाद निकालेगा और पूछेगा ए बंदे खुदा बता जन्नत में एक मरतबा एक डुबकी लगाने के बाद तुझे क्या दुनिया की कोई तकलीफ और दुनिया की कोई परेशानी याद नहीं वो क्या जवाब देगा एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी ही परेशानियों में गुजरी है जिसकी जिंदगी तकलीफों में गुजरी है सुख का कोई शायबा उसकी जिंदगी में नहीं आया था हमेशा परेशान रहा मोहताज रहा तल्लाश रहा मजबूर रहा तड़पता रहा बिलकता रहा रोता रहा लेकिन अपने मालिक और खालिक को नहीं भूला होगा एक बार जन्नत में एक डुबकी के बाद वो कहेगा रबुलमी जन्नत में एक डुबकी लगाने के बाद ऐसा लगता है मेरी सारी जिंदगी आराम में गुजरी है मैंने अपनी जिंदगी में कोई परेशानी और तकलीफ नहीं देखी है अल्लाह रबुलमीन की जन्नत है हमें उस जन्नत की तैयारी करनी है हमें उस जन्नत के लिए कोशिश करनी है हमें उस जन्नत के लिए मेहनत करनी है हमें उस जन्नत को अपने सामने रखना है ये जन्नत और उसकी हकीकत है लेकिन आज हकीकत यह है कि इंसान अल्लाह रब्बुल रबालमीन की जन्नत और उसकी नेमतों से गाफिल है दुनिया की मोहब्बत इतनी शदीद है और मादा परस्ती इस कदर गालिब है कि इंसान दुनिया का होके रह गया है और अल्लाह रब्बुल रबालमीन की जन्नत और उसकी नेमतों के हुसूल के लिए कोई कोशिश नहीं करता क्या ये बात सही नहीं है कि एक इंसान साठ साल सत्तर साल की जिंदगी को बेहतर करने के लिए साठ साल और सत्तर साल की जिंदगी को बेहतर करने के लिए खूबसूरत करने के लिए हजारों जतन करता है करता है कि नहीं करता है साठ साल हमारी बेहतर हो जाए ये हमारी दुनिया की जिंदगी बेहतर हो जाए उसके लिए सब कुछ करने के लिए वो तैयार है इस छोटी सी जिंदगी जबकि वो जानता है जिंदगी खत्म हो जाएगी यहाँ हमेशा नहीं रहना है, जानता है उसके सामने कितने लोग मरते हैं पैसे वाले मरते हैं इज्जत वाले मरते हैं शोहरत वाले मरते हैं बंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मरते हैं दुनिया की बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाले भी उसके सामने मरते हैं और देखता है ये जानता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी ये जानता है कि दुनिया हमेशा नहीं रहेगी ये जानता है कि दुनिया में हमेशा बका नहीं है लेकिन उसके बाद भी साठ साल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो हजार जतन करता है कितना बेवकूफ है वो इंसान कितना अहमक है वो इंसान जो हमेशा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई जतन नहीं करता हमेशा की जिंदगी के लिए कोई मेहनत नहीं करता अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए कोई तकोदही नहीं करता इस बात की उसे कोई फिक्र नहीं होती कि दुनिया मिले ना मिले लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत मिल जाए जहां खुशियां होंगी मसरतें होंगी दुखों का कोई गुजार नहीं होगा जहां इंसान जिस चीज की तमन्ना करेगा वो सारी चीजें मौजूद होंगी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी किताब में फरमाते इन बरार बेशक नेक लोग नमतों में होंगे नेक लोग नहमतों में होंगे जन्नत में होंगे और नमतों में मगन होंगे कौन सी नहमत होगी जो अल्लाह की जन्नत में मौजूद नहीं होगी लहुमा यशा नफी वजीद मेरे बंदो जिस चीज की तुम तमन्ना करोगे वो सारी चीजें मेरी जन्नत में मौजूद हैं इंसान जिस चीज की तमन्ना करेगा वो सब मौजूद है इनबरारे लोग नेमतों में होंगे दादेष दे रहे होंगे मजे कर रहे होंगे अल-आराही की अंदर शाहों की जिंदगी होगी बादशाहों ने भी वो जिंदगी नहीं गुजारी होगी तख्तों पर मशहरियों पर बैठे आराम फरमा रहे होंगे देख रहे होंगे मजे में होंगे कहता है, उनके चेहरों से खुशी जाहिर होगी और नहमतों का असर उनके चेहरे पर जाहिर होगा इंसान जब दुनिया की बात कर लेते हैं इंसान का कहते हैं इंसान का चेहरा सबसे बड़ा चुगलखोर होता है होता है कि नहीं होता है अगर इंसान खुश है तो कहने की जरूरत नहीं है चेहरे से जाहिर हो जाता है कि इंसान नेमतों में जी रहा है बहुत खुश है क्योंकि चेहरे से समझ में आ जाता है चेहरा इंसान का हशाश है बशाश है चमक रहा है दमक रहा है इंसान जान जाता है ये खुशियों में है और इंसान अगर तकलीफ़ों में होता है परेशानियों में होता है दुख है बीमारी है कोई और परेशानी है तो चेहरे से अंदाज़ा हो जाता है आदमी फ्रेश नहीं है कुरान ने कहा फी नजरत जरा बताओ मुझे कि जन्नत में चले जाने के बाद और क्या परेशानी उनको परेशानी किस चीज़ की होगी दुनिया में मैं नेमतें मिल जाए दौलत मिल जाए दुनिया में और शोहरत मिल जाए इज्जत मिल जाए इंसान कितना मगन होता है और अगर, अगर अल्लाह की जन्नत मिल जाए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है वहां कोई परेशानी होगी अल्लाह की जन्नत मिलने के बाद इंसान के चेहरे पर चमक नहीं होगी और क्या होगा इंसान का चेहरा चमक रहा होगा दमक रहा होगा क्योंकि अल्लाह की रजा मिल गई है अल्लाह की जन्नत मिल गई है रहीक नखद अल्लाह अकबर मुहरबंद शराब उन्हें पिलाई जाएगी दुनिया में शराब हराम है अल्लाह की जन्नत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी वो शराब बल्कि शराब की तो नहरें होंगी कुरान ने जगह जगह तस्करा किया शहद दूध की नहर है शहद की नहर है शराब की नहर है ये उस कौन अमिर रही कि मिस की बाद अल्लाह ने फरमाया उस शराब का जो सील पैक होगा जिससे उसको बंद किया जाएगा फरमाया मुश्क से मुश्क की खुशबू से अल्लाह हरबू आलमी उसको पैक करेगा वफ़ीजली का फलतना फसल मुतनाफिसन उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमी ने जन्नत का तस्करा किया और जन्नत की नहमतों के बारे में बताने के बाद फरमाया अल्लाह ने वीज का फलियतना फसल मुतनाफिस हो मेरे बंदो अगर कोशिश करनी है मेहनत करनी है आगे बढ़नी है मुनाफसत करनी है कम्पटिशन करनी है तो जन्नत के बारे में कोशिश करो जन्नत की नहमतों के बारे में कोशिश करो आगे बढ़ना है तो जन्नती जन्नति वाला जन्नत वाला काम करो ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत मिल सके और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नतों से लुत्फंदोज हो सके आगे बढ़ना है तो जन्नत के लिए बढ़ो इंसान दुनिया के लिए मेहनत करता है मशक्कत करता है ये जानते हुए कि जिंदगी खत्म हो जाने वाली है लेकिन अल्लाह कह रहा है वो फी जाली का चाहिए कि कोशिश करने वाले आगे बढ़ने वाले कंपटीशन करने वाले इस मामले में आगे इस मामले में सहाबे के हमारे लिए उस और नमूना है जन्नत की तड़प साहबा के अंदर कितनी थी दामने तारीख में ऐसे ऐसे वाकयात पड़े हैं की कुरबानियाँ जन्नत के लिए ऐसी ऐसी है कि इंसान बयान करता जाए और साहब के की अजमतों पर गवाह होता चला जाएगा और उनकी उनकी जो तड़प थी अल्लाह रब्लम की जन्नत के तल्ल से वो सुनता जाएगा पढ़ता जाएगा और अपने आप को अपने आप को हाई कमजोर महसूस करेगा इंतहाई थका हुआ महसूस करेगा कि सहाबे के राम की पूरी जिंदगी की मेहनत और पूरी मेहनत का खुलासा अल्लाहमीन की जन्नत का वसूल था और हम कहाँ खड़े हमारी जिंदगी का मकसद क्या है जब मुकद्दस की आयत नाजिल हुई लंतनालो कि तुम्हें जन्नत नहीं मिल सकती जब तक कि तुम अपनी सबसे महबूब तरीन चीज अल्लाह की राह में कर्बान ना कर दो आयत नाजिल हुई जब तक तुम अल्लाह की राह में वो चीज़ें खर्च कर दो जो तुम्हारी नजरों में सबसे ज्यादा महबूब है।, है उनका जज्बा देखो जन्नत के तलुक से एक सहाबी है प्यारे रसूल सल्हुसम के एक साथी जिनका नाम अबू तल्ला है अबारी जब याद पढ़ी उन्होंने सुनी कि जन्नत नहीं मिल सकती कामयाबी का तस्वर मुमकिन नहीं है जब तक कि इंसान अपनी सबसे बेहतरीन चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दे दौड़े हुए आए जनाब मोहम्मद वसल्लम के पास और कहा या रसूल अल्लाह से बुखारी की रिवायत है कहा के नबी सल्ला वाला रबालमीन अपनी किताब में कह रहा है कि जन्नत और कामयाबी का तस्वर नहीं है जन्नत और कामयाबी मुमकिन नहीं है जब तक कि अपनी बेहतरीन चीज अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दो ए के पैगंबर सल्लल्लाहु वसल्लम मेरे नजदीक मेरा सबसे कीमती सरमाया जो है मेरा बेरोहा नामी वो बाग है जिसमें 600 दरख्त है मुफस्सरीन लिखते हैं कि उसमें 600 दरख्त थे और मदीने का सबसे खूबसूरत बाग था अब रज तगी मदीने का सबसे खूबसूरत बाग था और पूरे मदीने के ताजिरों में मशहूर था ये बगीचा अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिसके नीचे नहरें जारी थी जिस बाग में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आया करते थे उसके साए में बैठते थे और उसके चश्मे से मीठा पानी पिया करते थे करोड़ों की दौलत आज के हिसाब से करोड़ों की दौलत खूबसूरत बाग कहा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवाह रहिए मेरे नजदीक मेरा सबसे कीमती सरमाया मेरा बेरोहाना मी बाग है मैं आपको गवाह बनाता हूं कि मैं अल्लाह की राह में सब कुर्बान कर रहा हूं यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना देखा इतना कीमती सरमाया फरमाया था दाली का माल और राबे हैर जाहिर की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये अबू तलहा ये तो बहुत कीमती माल है इसकी तो बड़ी कीमत है बहुत कीमती है वसल्लम कहते रहे राबे। आपने आपनेरत ज़ाहिर की हजरत अबू तलासारी रजी अल्लाह ने अपना सबसे कीमती बाप अल्लाह की राह में कर्बान कर दिया ये सहाबा थे जब कुरान की आयतें पढ़ते थे और जन्नत का तस्करा होता था तो जन्नत के हसूल के लिए जितनी कुर्बानियां हो सकती थी असहािर साल सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार थे आज हमारे यहाँ मामला ये यह है हर शख्स हम में से जन्नत चाहता है लेकिन जन्नत वाले काम आमाल करना नहीं चाहता जन्नत ये आसानी से मिलने वाली नहीं है मैंने बताया कि मेरा मौजू है आओ जन्नत की तैयारी करें तो जन्नत एक मोमिन की जिंदगी का खुलासा नतीजा और उसका मकसूद है और ये जन्नत सबसे बड़ी कामयाबी है लेकिन उसके लिए अमाल करने होंगे उसके लिए मेहनतें करनी होंगी इसके लिए कुर्बानियां देनी होंगी आइए कुछ कुर्बानियों का और कुछ अमाल का हम जायजा लेते हैं कि कौन से अमाल है जिनकी बुनियाद पर अल्लाह अल्लाहबुलमीन की जन्नत की राह आसान हो सकती है हम अगर चाहते हैं कि अल्लाह है की जन्नत हमें मिले तो जन्नत में दाखिले के लिए सबसे पहली शर्त ईमान और अमाल साल करना ईमान शर्त है बगैर ईमान के

और ये शायद उनके हिस्से में नहीं आई कुफ्र और शिर्क की हालत में मर गए अल्लाह फरमाते हैं हुलैके अलैहिम लानतुल्ला वल मलाइकाति वल नास ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत वल मलाइका अल्लाह के फरिश्तों की लानत है वल नास यजमाईन पूरी इंसानियत की लानत ऐसे लोगों पर खाल है खालदीन फी ये लोग हमेशा जहन्नम में रहेंगे ला युखफफ उनहु जहन्नम का अजाब जरा भी हल्का नहीं किया जाएगा वला और मोहलत दी जाएगी पता ये चला कि अगर कुफर की हालत में इंसान की वफ़ात होती है शिर की हालत में वफात होती है ईमान की नेमत और शादत नहीं मिली है उसका ठिकाना जन्नत नहीं है उसका ठिकाना हमेशा हमेश के लिए जहनम है जिन्होंने कुफर किया और कुफर की हालत में मर गए ईमान की हिदायत की नेमत नहीं मिली तो कल क्यामत के दिन अगर जमीन भर करके सोना बदले में और जहन्नम से बचने के लिए जमीन भर करके सोना अल्लाह आलमीन को देना चाहेंगे तो ये चीज उनके लिए मुफीद नहीं होगी ये दोनों आयतें बताती हैं कि जन्नत में दाखिले के लिए ईमान शर्त है बग़ैर ईमान के जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं है और इसीलिए मायशर रदी अल्लाह तन से मरवी और रिवायत आपने सामने रखें कि मायशर रदी अल्लाह तन ने पूछा प्यारे रसूल वसल्लम से अब जद, जदान के बारे में ये मक्का के बड़े लोगों में से थे बहुत ही सखी और फ़याज़ थे अपना माल गरीबों पर फ़करों पर मोहताजों पर बेवाओं पर बेदर खर्च किया करते थे कोई इनके दर से खाली नहीं जाता था जो आ गया उसको देते थे गरीबों को खाना खिलाते थे मेहमानों की मेहमान निवासी करते थे लेकिन ईमान की नमत नहीं मिली अमाय शरद ने सवाल किया कि नबी व्म ने इतनी बेहतरीन और शानदार और इतनी बेहतरीन जिंदगी गुजारी है क्या उसे उसकी दुनिया में जो उसने मेहनतें की हैं उसने जो ये सारे अच्छे काम किए हैं कल क्यामत के दिन अल्लाह रबीन क्या उससे कोई बदला मिलेगा या नहीं मिलेगा प्यारे रसूल वसल्लम ने फरमाया था नही। फे नहीं फूल यमन रबली खती इसलिए नहीं मिलेगा आखिरत में उसे कोई बदला क्योंकि कभी उसने ये नहीं कहा मेरी गलतियों को बख्श दे मेरे मेरी गलतियों को माफ़ फरमा उसने कभी अल्लाह आलमीन से तोबा नहीं की उसने ईमान कबूल नहीं किया आखिरत के दिन पर उसका ईमान और यकीन नहीं था क्योंकि कुफर की हालत में मरा है गर्जे उसने नेकमाल बहुत सारे किए पर ईमान की नेमत नहीं मिली इसलिए जहन्नम वाजिब है और जन्नत उसके ऊपर है जो बात मालूम हुई कि जन्नत में जाने के लिए सबसे पहली और सबसे अहम और बुनियादी वजह है इंसान ईमान कबूल करे अल्लाह रबीन की वहदानियत का इतरार करे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बहुत सारे लोगों ने की है लेकिन अकेले अबू तालिब ने जितनी खिदमत की है अबू तालब की कुरबानियों के आगे सारी कुरबानियाँ फीकी और मध्यम पड़ जाती हैं अबू तालिब कौन थे प्यारे रसूल वसल्लम के सगे चचा थे लेकिन इस्लाम लाए ईमान की नेमत मिली ये वो अबू तालिब हैं, कि सारे मक्का वाले प्यारे नबी के दुश्मन थे अकेले अबू तालिब ने आपको सहारा दिया था जा भतीजे जब तक मेरी सांस है मेरी जिंदगी है तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है तुझे किसी से घबराने की जरूरत नहीं है प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे सहारा रहे आपके मिशन में आपके साथ रहे लेकिन ईमान कबूल नहीं किया कौन सी तकलीफ है जो अब तालिब ने बर्दाश्त नहीं की शीब अभी तालिब में नबूवत के सातवें साल जब शीब अभी तालिब में गुफारे मक्का ने प्यारे रसूल वसल्लम और आपके खानदान को बनी हाशिम को जब शीब अभी तालिब में महसूर कर दिया और तीन साल का बाइकाट किया कितने साल का बाइकाट किया तीन साल का कोई बात नहीं करेगा कोई लेन देन नहीं करेगा कोई इनसे शादी ब्याह नहीं करेगा इनसे सारे लोग कट गए तीन साल एक हजार से ज्यादा दिन होते हैं साल में एक हजार से ज्यादा दिन होते हैं और शेब अभी तालीब में जो परेशानियां उठाई हैं मुसलमानों ने शेब अब तालीब में जो तकलीफें है उठाई हैं बर्दाश्त की है खजूर के पत्ते खाने पर मजबूर हुए खजूर की गिठलियां एक एक गिठली कई कई लोग चूसते थे मजबूर थे खाने के लिए कुछ नहीं होता ये सारी तकलीफें बर्दाश्त की हैं जिसमें अबू तालिब भी थे अबू तालिब भी थे इतनी सारी परेशानी अबू तालिब ने बर्दाश्त की है लेकिन चूंकि ईमान की हिदायत की नेमत नहीं मिली प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा का अंजाम सुनो सही मुस्लिम की रिवायत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अदाबन अबू तालिब जहन्नम का सबसे हल्का साब अगर किसी को दिया जाएगा तो वो मुतालिब होंगे मुंत यहा जहन्नम का सबसे हल्का अजाब क्या होगा पैरों में आग की जूती पहनाई जाएगी जिसके शोले दिमाग से निकलेंगे शोले दिमाग से निकलेंगे ये सबसे हल्का अजाब होगा जो प्यारे रसूल वसल्लम के चचा मु तालिब को दिया जाएगा जो बात मालूम हुई इतनी सारी खिदमतें इतनी सारी कुर्बानियां और इतनी सारी मेहनतों के बावजूद जन्नत नहीं मिल सकी क्यों इसलिए कि ईमान कबूल नहीं किया ईमान की न्यामत नहीं मिली तो इन सब खिदमतों का बदला ये मिला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूंकि जिंदगी भर मेहनत की दीन की मेहनत की कुर्बानियां बर्दाश्त दी हैं तकलीफों को बर्दाश्त किया है तो उसका इनाम ये मिला कि जहन्नम का सबसे हल्का अजाब जिसे दिया जाएगा वह मुताली तो जन्नत में जाने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि इंसान इंसान ईमान इख्तियार करे नेक नाम करे इसके अल्लाह आलमीन की जन्नत मुमकिन नहीं है अल्लाह आलमीन कुरान क़रीम में फरमाते जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है फिर उसी पर जम गए ईमान की नेमत मिली उसी पर इख्तियार की تتنزل عليهم الملائكه अल्लाह के फरिश्ते उनके ऊपर नाजिल होते हैं। और कहते हैं अल्लाह ताफू डरने की जरूरत नहीं है वला तहजनु घबराने की जरूरत नहीं है बिल वह कुंतुम तुअदून अल्लाह की उस जन्नत की बशारत ले लो जिसका तुमसे वादा किया गया औलियाकुम फिल नहनोलिया दुनिया आखिरा हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त थे हम आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त रहेंगे वलकुम फीहा मा और आ जन्नत में तुम्हें वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसकी तुम तमन्ना करोगे वलकुम फीहा मा तदऊन और जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे

अब ये बताओ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसका मेजबान हो और जो रब का मेहमान हो जाए अल्लाह फरमाएगा गफूर ये सारी चीजें इसलिए मिल रही हैं कि अल्लाह कहेगा आज मैं मेजबान हूं तू मेरा मेहमान है तू जिस तमन्ना करेगा सारी चीजें तुझे मिलेंगी क्योंकि तू ईमान की जिंदगी गुजार के आया है इस्तेमालत की जिंदगी गुजार के आया है मेरे उसूलों पर कारबंद रहा है इसलिए तुझे इनाम मिलेगा रियायत तो भी बताती है कि जन्नत में जाने के लिए और उसकी नियमतों से लुत्फानदोज़ होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ईमान है दूसरी चीज़ जन्नत में जाने के लिए दूसरी चीज़ है प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम की एतात और फर्माबरदारी करना प्यारे रसूल सल्ला वसलम की एतात करना फर्माबरदारी करना आपकी हदीसों को मुकदम करना आपकी बातों को मुकदम करना प्यारे नबी सल्ला वसलम की जहाँ हदीसें आ जाएँ फिर किसी की बात नहीं चलेगी

जो लोग इताज करते हैं अल्लाह के और उसके रसूल की जो अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत करते हैं फर्मा बरदारी करते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए पर जिंदगी गुजारते हैं उनका ठिकाना और उनको इनाम क्या मिलेगा जानते हैं मअल्लदीन अलैहिम तो कल क़यामत के दिन वो लोग उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया जिन पर अल्लाह ने इनाम किया कौन हो लोग मेन नबी नबियों के साथ होंगे वह सिद्दीकीन सिद्दीक के साथ होंगे वह शहदा शोहदा के साथ होंगे वह साल और अल्लाह के नेक और बेहतरीन बंदों के साथ होंगे वह सुना उलाई रफीका और जिस इंसान को इन जैसे लोगों की सोहबत मिल जाए इससे बेहतर साथी और कौन हो सकते हैं? वह सुना उलाई का रफीका और ये लोग कितने बेहतरीन साथी कौन नहीं तमन्ना करना चाहेगा कि जन्नत में जाए कौन नहीं चाहेगा कि वह जन्नत में प्यारे नबी वम के साथ हो कौन नहीं चाहेगा कि वो अंबिया के साथ हो सिद्दीक के साथ हो शहदा के साथ हो सलहिन के साथ हो अल्लाह के नेक बंदों के साथ हो और ये एजाज मिलेगा और ये कामयाबी मिलेगी उन लोगों को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करते हैं और उसके पैगम्बर जनाबे मोहम्मद की इताअत ये आयत बताती है कि एतायत रसूल में सिर्फ जन्नत नहीं मिलने वाली बल्कि जन्नत में एक बेहतरीन जमात के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको रखेगा सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी और सिर्फ जन्नत ही मिल जाए सबसे बड़ी कामयाबी क्या है जन्नत ही इंसान को मिल जाए चे जाए कि बड़े इन जैसी अजीम तरीन हस्तियों के साथ उसका हशर किया जाए वरना प्यारे रसूल फरमाते हैं कदम फिल जन्न खैर उन्नत दुनिया माफी हा जन्नत में तो एक कदम के बराबर भी जगह मिल जाए तो दुनिया और दुनिया की सारी दौलत से बेहतर है आप अंदाज़ा करें ए ताते रसूल के नतीजे में सिर्फ जन्नत नहीं मिलने वाली है

तो गोया कि एतात रसूल में कामयाबी है जन्नत है और रसूल की नाफरमानी में हलाकत है बर्बादी है और जहनम की बशारत है ऐसे लोग कामयाब नहीं हो सकते हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें प्यारे नबी वसल्लम से मोहब्बत के दावेदार हैं हम में से हर शख्स प्यारे नबी से मोहब्बत का दावा करता है लेकिन क्या वो अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों में एतात रसूल को सामने रखता है या नहीं रखता एतात रसूल सिर्फ नमाजों में नहीं है एतात रसूल इसका दायरा कम नहीं है कमज़ोर नहीं है मामूली नहीं है इबादत का शोबा हो वहाँ भी एतात रसूल मामलात का शोबा हो वहाँ भी एतात रसूल हमें देखना है कारोबार और लेन देन का मसला है वहाँ भी एतात रसूल हमें मुकदम करना है माशरती और आयली जिंदगी गुजारनी है बीवी और बच्चों के साथ रहना है वहाँ भी प्यारे नबी सल्ला वसलम की तलीमत मौजूद एतात रसूल का दायरा और ये शोभा बहुत वसी है हयात और लिबास की बात हो वहां भी हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखना है कि आपने किन चीज़ों की तालीम दी और किन चीज़ों से रोका है ये सारी चीज़ें एतात रसूल में दाखिल है और कामयाबी उसी के लिए है जो एतात रसूल को फॉलो करता है और एतात रसूल को अपनी ज़िंदगी में नाफिस करता है बसूरत बस दीगर उसके लिए खेबत खुसरान है हैजरान है नाकामी है जिल्लत है रुसवाई है और अजाब अलीम है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत अगर चाहते हैं तो उनमें से एक बेहतरीन अमल ये है कि इंसान अपने अखलाक को दुरुस्त करे इंसान अपने अखलाक को दुरुस्त करे देखिए नमाज पढ़ना इबादत है नमाज पढ़ना इबादत है और अखलाक को दुरुस्त करना भी भी इबादत है बहुत सारे लोगों को समझ में आता है सिर्फ नमाज पढ़ना यही इबादत है नखलाक की दुरुस्तगी भी इबादत है प्यारे हबीबल्स फ़रमाते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसद के बहुत सारे मकासद उन्हीं में से एक शानदार मकसद जिसका तस्करा प्यारे नबी ने अपनी हदीस में किया इन तमक्यारिमल मुझे इसलिए भेजा गया ताकि मैं लोगों को बेहतरीन अखलाक सिखा सकूँ अख्लाक की तकमील और इतमाम कर सकूँ मेरी बेसत के बहुत सारे मकसद में से एक मकसद ये है कि अखलाक को संवारना अखलाक को दुरुस्त करना और अख्लाक की दुरुस्तगी इतनी बड़ी चीज़ है जिससे लोग गाफिल हैं अखलाक की दुरुस्तगी इतनी बड़ी चीज़ है जिससे लोग हैं एक हदीस में सुनाता हूँ आपको सोना नबी दाऊद की सही रिवायत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि इन फरमाते हैं इन्नल मुम़िन जाता इम बेसनी खोलू की ही एक मोमिन अपने अच्छे अखलाक की वजह से रोज़ेदार और क्यामल करने वाले के बराबर अजर पा जाता है एक इंसान अगर अपने अखलाक को दुरुस्त करता है तो गोया कि उसको उस आदमी के बराबर अज मिलता है जो आदमी नफली रोजे रखता हो उसे उस आदमी के बराबर अज मिलता है जो आदमी रात में क्यामल करता है एक इंसान अगर अपने अखलाक को दुरुस्त कर ले तो उसके दर्जे में होता है जो रातों में उठ करके क्याम करता है जो तो आदमी नफली रोजे रखता है अच्छे अखलाक और बेहतरीन अखलाक वाला इंसान उसके दर्जे और उसके जो है जोरे भी आ जाता है कितनी बड़ी बात है कितनी बड़ी बात है बहुत सारे लोगों को समझ में आता है कि नमाज पढ़ना इबादत है बाकी अखलाक कैसे भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नहीं अगर इंसान के अखलाक दुरुस्त नहीं वो आदमी बेहतर नहीं हो सकता यकीन जाए आप देखेंगे समाज और माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नमाजों का तो अहतमाम करते हैं पहली पहली सफ़ों में होते हैं नमाजों का अहतमाम है रोज़ों का अहतमाम है उमरे पे उमरे किए जा रहे हैं हज पे हज किए जा रहे हैं इबादतों में माशाला तबारकल्ला बहुत सारी सदको खैर आप भी कर रहे हैं सारी चीजों में बेहतरी है लेकिन अखलाक का आलम यह है कि जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आग के दहाने खुल गए हों, आग के अंदारे जबान से निकल रहे उनका तमाम इतना गंदा है कि देखने वाला हैरत में पड़ जाता अरे ये वही साहब हैं जो पहली सफों में हाजिरी देते हैं जिनकी पेशानी पे चमकता हुआ निशान भी है ये वही साहब है जो हर कार में आगे रहते हैं अरे वही साहब हैं जो दीनदारी और तक की बातें करते इंसान को यकीन नहीं आता मेरे भाई और बुजुर्गों कहां है हमारा ला अगर इन सारी चीजों को बेहतर बनाने की तालीम शरीयत ने दी है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी तालीम दी है कि इंसान अपने अखलाक को दुरुस्त करे एक खूबसूरत हदीस सुनाता हूं सुना नबी दाऊद की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ara zaimun मैं उस आदमी को जन्नत के सबसे ऊंचे हिस्से में एक घर की जमानत देता हूँ जन्नत के सबसे आला हिस्से में एक घर की जमानत देता हूँ जो आदमी अपने अखलाक कर ले। आपकी जबान खुले तो लगना चाहिए मुसलमान बोल रहा है आपके हाथ चले तो लगना चाहिए कि मुसलमान और प्यारे नबी की तालीमांत पर अमल करने वाला इंसान है आपके कदम जब चले तो मुखालफत वाले ना हो ऐसा लगे कि एक मोमिन जा रहा है एक मुसलमान जा रहा है आपकी नजरें जब उठे तो अहले ईमान की नज़र होनी चाहिए ऐसा लगे कि ये मुसलमान है अल्लाह आलमिन से डरने वाला आप जब लेन देन करें मामला करें वहां भी सफाई होनी चाहिए दुरुस्तगी होनी चाहिए और बेहतरी होनी चाहिए और लगना चाहिए यह मुसलमान का अखलाक है मुसलमान का किरदार और इसका नतीजा यह है कि मोहम्मद जन्नत में एक घर की नहीं बल्कि जन्नत के सबसे ऊंचे हिस्से में पैगम्बर सल्लम घर की बशारत दे रहे हैं हम प्यारे नबी के उम्मती हैं हम देखें कि नबी वसल्लम के अखलाक कैसे थे हमारे लिए उसवा कौन है हमारे लिए नमूना जनाब मोहम्मद आपका अखलाक कैसा था हम मुकरना करें अपना जन करें मुकारना करें देखें आज मुसलमानों का अखलाक कैसा है और प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद का अखलाक कैसा था प्यारे नबी सखलाक की गवाही हजरत सुनते हैं की रिवायत है फरमाते हैं ख़दम तो रसोल्ह से मैंने मोहम्मद की खिदमत दस साल की कितने साल की दस साल मैंने प्यारे नबी की खिदमत की और यानस बच्चे थे छोटे थे इनकी माँ ने नजर मानी थी कि अगर अल्लाह ने बेटा दिया तो मोहम्मद रसोल्ला का खादिम बना दूंगी और अल्लाह ने बेटा दिया लाके नबी के कदमों में डाल दिया इसे खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए एक बच्चा दस साल नबी की खिदमत कर रहा है और नबी के अखलाक को बयान कर रहा है समाकाल अली उफ इन इन दस में आपने कभी मुझे उफ नहीं कहा उफ नहीं कहा मामूली चीज़ उफ नहीं कहा आज हमारे अखलाक कैसे हैं अपने दोस्तों के साथ हमारे अखलाक कैसे हैं अपने बड़े भाइयों के साथ हमारे अखलाक कैसे हैं अपने वालदेन के साथ हमारे अखलाक कैसे हैं अपने असाज़ा के साथ अपने टीचर्स के साथ हमारे अखलाक कैसे हैं अपने दोस्तों के साथ अपने साथ रहने वालों के साथ दस साल हमारा अखलाक कैसा है उन लोगों के साथ जो हमारे मातहत काम करते हैं चाहे वो मदरसे हो, चाहे इदारे हो, चाहे तनजीमें हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे महकमे हो, चाहे कंपनियां हो, जो आपके मातह काम कर रहे हैं उनके साथ आपका बर्ताव रवैया कैसा है वो सीखना है तो मोहम्मद चल, दस साल मैंने खिदमत की और दस साल में उफ नहीं कहा पाला ली फाल। अरे इन दस सालों में मुझे ये भी नहीं कहा क्यों ऐसा किया और क्यों ऐसा नहीं किया क्यों ऐसा किया क्यों ऐसा नहीं किया प्यारे पैगम्बर भी नहीं कहा और बाज रिवायतों में आता है कई बार ऐसा हुआ कि मोहम्मद ने मुझे किसी काम से भेज दिया मैं बच्चा था बच्चों में खेलने लगा मैं बच्चों में खेलने लगा भूल गया प्यारे नबी की बात प्यारे नबी मुझे ढूंढते हुए आए तखिर हो गई अपने हाथों को मेरे कंधे पे रखा मैं मुड़ के देखा प्यारे नबी मैं डर गया कि अभी सर्जनिश होगी बासपुरस होगी मैं डरते हुए जब चेहरे को देखा तो प्यारे रसूल का चेहरा मुस्कुरा रहा था आपके मुस्कुराते हुए चेहरे ने मेरे गम को मेरे दुखों को दूर कर दिया ये प्यारे नबी के खिलाफ थे गालियां भी आपने बर्दाश्त की है मार भी खाए हैं जानी दुश्मनों को माफ़ भी किया है कितने लोगों ने आपको बुरा भला कहा लेकिन कभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया मोहब्बत से अखलाक से सबके साथ आप पेश आए और नरमी का बर्ताव किया वही मक्का की सरजमीन जो आपके लिए तंग कर दी गई आपको दीवाना कहा गया मजरू कहा गया शायर कहा गया पागल कहा गया आपके साथियों को मारा गया आपके साथियों को सताया गया कतल किया गया वही मक्का जब सनाट हिजरी में फतेह होता है उस शहर से जहां आप पैदा हुए थे आपको निकाला गया मोहम्मद वसल्लम जब सनाट हिजरी में मक्का फतेह होता और है। जाते हैं वो सारे लोग हैं जिन्होंने आपको मारा था बुरा भला कहा था एक एक करके सारे जो है सरदार और सरगना किस्म के लोग मौजूद हैं प्यारे नबी सल्लाम आज क़वत में है ताकत में है आप गालिब है चाहते तो बदला ले लेते चाहते तो एक एक से बदला लेते इंसान दुनिया में अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता मौका मिलते ही हाथ हाथ रख देता है तुम हमारी परेशानी में तुमने ऐसा ऐसा किया था आज हमें मौका मिला हम छोड़ने वाले नहीं हैं इंसान अपने दुश्मनों को नहीं माफ़ करता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपने फरमाया था तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ लोगों ने कहा बेहतर इंसान है और आपसे बेहतरी की उम्मीद है मोहम्मद ने तारीखी जुमला कहा था मैं वही कह रहा हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था आज तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा जाओ तुम सबके से आजाद हो जाओ मैं तुम सबको आजाद करता हूँ माफ करता हूँ तुमसे कोई बात पुरुष नहीं किया जाएगा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाली दुश्मनों को माफ़ किया हम उस नबी की हैं हमें अपने अखलाक को दुरुस्त करना है हमें अपने अखलाक को बेहतर करना है हमें अपने किरदार को बेहतर करना है सिर्फ इबादत की सफाई और इबादत की बेहतरी मतलूब नहीं है ज़िंदगी के तमाम शोबों में हमें और ख़ास तौर से अपने मामला में अखलाक में हमें वो खुतबा पेश करना है नमूना पेश करना है जो नमूना जनाब मोहम्मद सल्ला वम ने पेश किया और इसीलिए मेरे भाइयों इसीलिए जब एक ईसाई ने किताब लिखी द हंड्रेड यानी अल्दून अलमिया जिसका अरबी में तर्जुमा हुआ दुनिया के सौ अजीम इंसान ईसाई है क्या है वो ईसाई है इस्लाम का दुश्मन है हज़रतम का मानने वाला है जब उसने सौ बड़े बड़े लोगों के नाम रखे तो जाहिर है होना ये चाहिए था कि अपने पैगम्बर का नाम रखता है कि नहीं होना ये चाहिए था कि ईसाई अपने पैगम्बर का नाम रखता लेकिन उसने सबसे पहले कान्फ्रेंस की और उसके बाद जो नाम उसने सबसे पहले पुकारा वो जनाबे मोहम्मद हो गई कैसा इंसान है ये जो अपने पैगंबर को छोड़ करके मुसलमानों के पैगंबर का नाम सबसे ऊपर रख रहा है उसने कहा था मैंने बहुत सोचा तुम जो ए तराज कर रहे हो कि मैंने मोहम्मद का नाम पहले क्यों रखा मैंने बहुत सोचा इस सीट पर इस जगह किसका नाम होना चाहिए बहुत सोचने के बाद गौर करने के बाद बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि तेईस साल की मुख्तसर सी मुद्दत में जो कारनामा मोहम्मद ने कर दिखाया दुनिया की तारीख में ऐसा किसी ने किया जो मुसर शख्सियत मोहम्मद की है किसी और की नहीं है तेईस साल की मुद्दत में अरब के बद्दुओं को जानवर से इंसान बना दिया ये मोहम्मद ने किया है से तेईस साल में जो कारनामा अंजाम दिया कि सिर्फ अरब नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम की शाएं फैली सारे लोग मुतरिफ हुए आपकी अजमतों के गवाह बने ये हिस्सा और नसीबा किसी और के नहीं मोहम्मद के हक में जाता है तो कहते हैं खूबी कमाल तो यह है कि दुश्मन भी आपकी खूबियों का एतराफ़ करे अफलमा शहदत जादू जो सर चढ़ के बोले प्यारे रसूल सल्लासम का अखलाक तो ऐसा था कि अपने तो अपने गैरों ने भी मोहम्मद रसोल्ला के अखलाक का लोहा हम जन्नत चाहते हैं तो हमें अपने अखलाक को दुरुस्त करना होगा एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा हम जन्नत चाहते हैं तो हमें एक और बहुत प्यारा अमल है मरीज़ की यादत करना मरीज़ की यादत करना देखिए मरीज़ की तीमारदारी करना कोई बीमार हो गया उसके पास जाना हाल चाल लेना उसकी खैरियत दरियाफ्त करना आज ये चीज़ हमारे यहाँ और गायब है बहुत सारे लोग तो इस मसले को नाक का मसला बना लेते हैं हम जाएँगे हम बड़े हैं उसके पास कैसे जाएँगे हमारी नाक कट जाएगी और बहुत सारे लोग ऐसा है कि कोई बीमार होता तो अगर किसी ने कह दिया कि चलो चल करके देख आते हैं तो सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं मैं पता कर लूँ मैं बीमार था तो आया था कि नहीं आया था पहले पता कर लेते हैं मैं बीमार था तो आया था कि नहीं आया था अगर मेरी बीमारी में आया था तो चलेंगे वरना नहीं जाएंगे होता है कि नहीं होता है मैं क्यों जाऊं मैं बीमार था उसने कदम नहीं रखा उसने एक फोन नहीं किया मैं क्यों जाऊं ये तो बदला है अगर इस बुनियाद पर आप जा रहे हैं तो गोया कि आप बदला दे रहे हैं इसकी कोई फ़ायदा और इसका कोई नाम आपको मिलने वाला नहीं कमाल तो ये है कि आपके पास नहीं आया था आपकी बीमारियों में नहीं आया था आपकी परेशानियों में नहीं आया था लेकिन इंसान होने के नाते मुसलमान होने के नाते और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमाबरदार बरदार होने के नाते ये मत सोचिए मौका जाए आप आपदत कीजिए और अजर देखिए जनाब जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा मुसल मुस्लिम एक मुसलमान सुनता है कोई मुसलमान बीमार है कोई आदमी बीमार है और सुबह के वक्त वो वोदत के लिए चला जाता है कब जाता है वो सुबह के लिए उसकी अयादत के लिए चला जाता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाम तक सत्तर हजार फरिश्ते उसके लिए दुआ मफरत करते हैं कितने फरिश्ते सत्तर हजार फरिश्ते उसके लिए दुआ करते ना और अगर शाम में करने जाता है। सल्ला कितनी फजीलत है इससे खत नजर क्यों आया था नहीं आया था अल्लाह के लिए प्यारे नबी सला की इस हदीस को सामने रखते हुए और इस फजीलत को हासिल करने के लिए बीमार हो जाए कितना टाइम लगता है बीमार को देखने के लिए हम दिन भर कितना सारा वक्त ऐसी बेकार चीजों में जय कर देते हैं दो से पांच मिनट आप जाइए पांच मिनट आप चले जाइए अपने भाई के पास बैठ जाइए कैसे हैं आप आपकी तबीयत कैसी है इनशाला लबास तहुरन अल्लाह ने चाहा तो जल्दी आप ठीक हो जाएंगे फिक्र मत कीजिए अल्लाह आपको शिफाए फरमाए अल्लाह हर बीमारी से आपको शिफा दे इतनी बात कह करके मोहब्बत के दो बोल मोहब्बत के दो बोल बोल करके देखिए अल्लाह की कसम है अल्लाह की कसम है फजीलतें तो हासिल होंगी ही लेकिन वह आदमी जिंदगी में आपको कभी नहीं भूलेगा और बरसों के दुश्मन को अगर दोस्त बनाना है उसकी तीमारदारी करने चले जाइए जानी दुश्मन हो जाने हो, बीमार हो चले जाइए उसके दिल में आप देखिए किस तरह तब्दीली आती है और अपने दिल में आपके लिए मोहब्बत महसूस करेगा और फजीलत ने तो अलग है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं दूसरी रिवायत जिसने किसी मरीज की तीमारदारी करना जाना हाल चाल लेना या अपने किसी मुसलमान भाई से मिलने ऐसे ही चला गया ये चीजें भी आज नहीं हमारे यहां हम नहीं जाते रिपोटेशन का मामला होता या हमारे बराबर होना चाहिए तो जाएंगे अपने भाइयों से मिलना सलाम दुआ करना भी ये भी बड़ा हाजिर का काम तो जिसने अपने किसी मुसलमान भाई की इयादत की या किसी मुसलमान की जियारत के लिए चला गया न आसमान से आवाज आती है पुकारने वाला पुकारता बदम शाख तेरा चल करके जाना मुबारक हो तेरा चल करके अपने भाई की, करना, अपने भाई की जियारत करना मुबारक हो होन्ना इस अमल के बदले इस बेहतरीन काम के बदले तो उन्हें जन्नत में अपना एक घर बना लिया है अल्लाह ने एक घर तेरे लिए बना दिया है इस अमल के बदले अल्लाह इतना खुश हुआ है कि अल्लाह घर बना देता हम चाहते हैं कि हमें जन्नत मिले हमें जन्नत में घर मिले हमें इस चीज़ को ख्याल रखना होगा होगादत करनी होगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी का बच्चा बीमार हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चा है वो प्यारे नबी को ख़बर हुई बताया गया वो बच्चा बीमार है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर चले गए यहूदी है प्यारे नबी उसके घर गए और वहाँ जाने के बाद हाल चाल पूछने के बाद प्यारे नबी ने इस्लाम की दावत भी दे दी प्यारे नबी ने इस्लाम की दावत भी दे दी और उसने अपने बाप की तरफ देखा क्या करूं बाप ने कहा अत कासिम प्यारे नबी की हदायद कर लो इस्लाम ले आओ वो, वो इस्लाम भी ले आया तो ख़ास तौर से ऐसी जगहों पर इस्लाम ने जो यादत और तीमारदारी की तालीम दी सिर्फ मुसलमानों के साथ ख़ास नहीं है ऐसे गैर मुस्लिम हमारे बीच रहने वाले लोग जिनके दिलों में इस्लाम के लिए नरमी है मुसलमानों के साथ उनका मिलना जुलना बेहतर है इस्लाम जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं वो भी बीमार हो हमें उनकी यादत करनी चाहिए और इसी बहाने एक बेहतरीन पैगाम देना चाहिए अगर दावत का मौका मिल जाए तबलीग का मौका मिल जाए इस्लाम की हक़ानियत बयान करने का मौका मिल जाए इस्लाम के असूलों को बताने का मौका मिल जाए और इसी बहाने इस्लाम